फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी करेले की रेसिपी। सभी को बहुत पसंद आएगा, बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। इस तरीके से बनाएंगे, एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कड़वा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, इस तरीके से बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कैसे बनाना है। मैंने लिया है करेला। करेले को धो के इस तरीके से छील लेंगे। छील लिया है मैंने, बीच से काटेंगे सारे करेले को। काट लेंगे, काटने के बाद नमक डालेंगे। नमक डाल के अच्छे से लगा लेंगे सारे करेले में, मसल मसल के। दस मिनट के बाद धो लेंगे। करेले को मैंने साफ धो लिया है, प्याज काटा है। गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे, तेल डालेंगे, तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। तेल गर्म हो जाए उसके बाद प्याज डालेंगे। प्याज को चलाते हुए फ्राई करेंगे। प्याज को हल्का फ्राई करेंगे चलाते हुए, प्याज का कच्चापन दूर हो जाए इतने ही फ्राई करेंगे। बस इतना ही। अब करेला डाल देंगे। करेला डाल के चलाते हुए भून लेंगे, जिससे करेला और प्याज एक साथ अच्छे से भुन जाए। चलाते जाएंगे। अब कुछ मसाले ऐड करेंगे। एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, एक चम्मच डालेंगे कुटी हुई धनिया रोस्ट, एक चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। मसाला डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चलाते हुए भूनेंगे, जिससे मसाला भी अच्छे से भुन जाए करेले के साथ। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। एक बार फिर से भून लेते हैं चलाते हुए। एक छोटा चम्मच चीनी डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। चीनी डाल के अच्छे से एक बार फिर से भून लेंगे। अच्छे से करेला भुन गया है। अब थोड़ा पानी डालेंगे, जिससे करेले का कच्चापन दूर हो जाए। पानी डाल के चला लेंगे, ढक्कन ढक के लो फ्लेम पे पकाएंगे 15 मिनट। 15 मिनट हो गए हैं, ये देखिए करेला तैयार है, गल गया है बिल्कुल, बहुत ही टेस्टी बना है। ढक्कन खोल के एक बार फिर से भून लेते हैं, जिससे थोड़ा और भुन जाए, इसका पानी बिल्कुल सूख जाए। इस तरीके से करेला बनाइए, बिल्कुल सिंपल तरीके से टेस्टी करेला बना है। सभी को बहुत पसंद आएगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये करेले की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरीके से ट्राई कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।